क्या बच्चों का प्यार आज इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा मैटर हो गया है कि उसके लिए बचपन से माँ बाप ने जो प्यार दिया वो बहुत छोटा पड़ जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा अपने प्यार के आगे, या यूं कहें कि अपने स्वार्थ के आगे। अगर प्रियंका जैसा काम कोई आपकी बेटी ने किया होता और आपके बेटे ने जो किया कोई दूसरा लड़का किया होता, तब भी क्या आप अपनी बेटी का साथ वैसे ही देती जैसे बेटे का देने? दो सालों में कभी मम्मी पापा की याद नहीं आई? उन लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी, उन लोगों ने क्या नहीं किया। मैं घर से निकली तो सिर्फ मुझे जान से मारने के लिए ही तो खोजा उन्होंने। और आपने जो अपने माता पिता और अपने भाइयों की पगड़ी उछाल दी, इज्जत उछाल दी, कभी उसे सठियाओं में इज्जत से जी रहे होंगे, आज वो सर झुका के जाते होंगे आपकी आपके काम की वजह से कि मेरी बहन ने ऐसा कर दिया कि हम किसी से नजर नहीं मिला। नहीं, मेरे भाई और मेरे पिताजी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मैं किसी चमार जाति में जाकर के शादी करूं या चमार जाति में जाकर के रहूं। पहले माँ आप भी हैं, आप बताइए, क्या माँ की इच्छा नहीं होती, पिता की इच्छा नहीं होती कि हमारे दरवाजे पे हमारी बिटिया की बारात आए, शादी हो, सारी चीजें? इन दो सालों में इतना सारा परिवर्तन आ गया कि आज आपको अपने माता पिता दिखाई नहीं? संविधान तो नहीं कहता कि हम किसी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, हमने हर कदम संवैधानिक तरीके से उठाया है। तो आपको नहीं लगा कि ये दो परिवारों को तबाह करने वाला मैं काम करने जा रही हूँ, मैं ही अपने आप को रोक लगा लूँ, मेरी भी कहीं शादी हो जाएगी? लेकिन आजकल का प्यार क्या है, दो साल चार साल तक चलता है, फिर उसके बाद तमाम लफड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले के कादीपुर में है और हमारे साथ फ्रेम में आपको एक महिला नजर आ रही है और बगल में उनकी सासू माँ खड़ी है। महिला का नाम प्रियंका वर्मा है और इन्होंने प्रेम विवाह किया है, अंतरजातीय प्रेम विवाह, और यही इनकी ज़िंदगी के लिए भारी पड़ गया है। इनके अनुसार इनके भाई इनके परिवार के लोगों के जान के दुश्मन बन गए हैं, तरह तरह से परेशान कर रहे हैं, इस तरह का ये आरोप लगा रही हैं। देर न करते हुए सारी बातें हम प्रियंका से ही जानेंगे क्योंकि इनके पति इत्तेफाक से आज घर पे नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी बात करते। बहरहाल उनकी माता जी हैं, उनसे हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि क्यों प्रियंका ने ऐसा कदम उठाया जो उनके परिवार को नागवार गुजरा और बहुत सारी घटनाएं उसको लेकर के हो रही हैं। प्रियंका क्या हुआ है पहले बताइए, अपना परिचय बता दीजिए, सठियाओं में क्या कहाँ घर है, पिता का क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, सठियाँ थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने जुलाई 2022 में श्री बुद्ध प्रियानंद से विवाह किया था जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। बुद्ध प्रियानंद? हाँ जी। अच्छा, आपके पति का नाम बुद्ध प्रियानंद जी? अच्छा। बुद्ध प्रियानंद से मैंने विवाह किया था जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। इस विवाह से मेरे पिता श्री भोला वर्मा, मेरे भाई अमित वर्मा, सुमित वर्मा, ललित वर्मा सहमत नहीं थे, और अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ जिसकी वजह से वो हमारी जान माल पे खतरा कर रहे हैं, आए दिन जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं। हमें सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, कभी भी हमारे ससुराल वालों की हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है, आज मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, कल मेरी हत्या हो सकती है, हमें सुरक्षा की जरूरत। तो आप लोगों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से अपनी शादी का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसको लेकर के कभी मुलाकात किया, सारी बातें बताई कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है? जी, हर जगह सबको पता है, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने हमारी शादी को मंजूरी दी है और उनके सख्त अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन है कोर्ट को, माननीय कोर्ट को या उच्च अधिकारियों को कि आपके साथ इस तरह से हो रहा है? हाँ हाँ, सबको जानकारी है। फरवरी 7 2024 में इन्होंने हमारी नंद के गाड़ी UP 50 CL 2567 जिसमें इन्होंने आग लगा दी, उसे फूंक दिया था। किन्होंने फूंक दिया था? मेरे भाई ललित वर्मा, सुमित वर्मा ने। हाँ जी। बड़े हैं आपसे दोनों? हाँ बड़े हैं। गाड़ी आपके परिवार के किसी रिश्तेदार की थी, उसको फूंक दिया? हाँ। फिर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ था? मुकदमा हुआ था। हाँ। जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके खिलाफ अभी तक। तो 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ, 23 में आप आ गई थी, है ना? 23 में आ गई थी, अभी 24 चल रहा है, 11वां महीना चल रहा, फिर भी अभी विवाद थम नहीं रहा? नहीं थम नहीं रहा, वो आए दिन जान से मारने की धमकियां भिजवाते रहते हैं। 2 नवंबर 2024 को मेरा रिसेप्शन था कादीपुर गाँव में, उसमें उन्होंने आकर के मारपीट की जिसकी जानकारी हमें गांव वालों से मिली, और हत्या करने की नीयत से मेरे पति का, मेरे ससुराल वालों की हत्या करने की नीयत से वो आए थे। हाँ जी। तो क्या हुआ था यहाँ पे फिर? यहाँ पे फिर मैं मेरा परिवार हम सब कार्यक्रम में थे, स्टेज पर थे, गांव वालों ने हमें सूचना दी, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने मेरे रिश्तेदार हैं मेरे भैया श्री संजय कुमार जी, उनका एक्सीडेंट कर दिया है। हाँ जी। तो आपके भैया और पापा क्या कहते हैं आपसे?
मेरे फिलहाल क्या कहते हैं, कहते हैं लौट आओ या क्या कहते हैं? नहीं, मेरे भाई और मेरे पिताजी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मैं किसी चमार जाति में जाकर के शादी करूं या चमार जाति में जाकर के रहूं। अगर मैंने चमार जाति से शादी की है तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे मेरी हत्या कर देंगे वो, मेरी हत्या करने पर तुले हुए हैं क्योंकि मैंने चमार जाति में आकर के शादी की है। सारी समस्या यही है, सारी समस्या जाति को लेकर के है। हाँ जी, तो आप तो पढ़ी लिखी है ना, जी। आपको तो पता है ना कि भारत जो है वो जातीय बंधन में जकड़ा हुआ एक ऐसा देश है जहाँ पे ये सब चीज़ें अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब लोग स्वीकार नहीं कर सकते। हत्या तक तो आम बात है, बड़ी आम बात है हत्या इस तरह की चीज़ों में हो जाना। संविधान में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कानून तो हमें इस चीज़ के लिए कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम किसी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते। संविधान तो नहीं कहता कि हम किसी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, हमने हर कदम संवैधानिक तरीके से उठाया है। ठीक बात है कि आप संविधान की दुहाई दे रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए पहले आपकी सासू माँ से थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लें और फिर उसके बाद फिर आपकी तरफ लौटते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है? सुधा। सुधा नाम है। और बेटे का नाम बुद्ध है? बुद्ध प्रियानंद। प्रियानंद, हाँ। तो आपके बेटे ने शादी किया है दूसरी जाति की लड़की से? हाँ। शादी किया है तो आपकी रजामंदी थी? आप बेटे ने बताया था कभी? हाँ हाँ, बेटा बतौला जब वो लोग मारे पीटे इनके लगला, तभी फोन करके कह ले उन लोग कई सोच हो गई कि छोड़िए ना कुल, तो एक मार के सठिया में मारल जाए, कादीपुर में फेंकल जाए। अच्छा, तब उसको फंस जाइया। ये लड़का के हमारे पता भाई, लड़का हमारा हमसे कहला, तब कहें बेटा तो बड़ी बुरी दशा हो जाई, तो ऐसा है कि जब आवक थी तो जब शादी कर ले हवा लोगन तो लिया आए वह घरे, लड़का हमारे लिया के आए। एक बाद से ये लोग धावा बोले लगना, अला बहुत सबके डेरवल हमारी एक रिश्तेदारी मैंने छोड़ल ना। तो उस वक्त क्या कह रहे थे इनके भाई लोग, क्या मुकदमा दर्ज हुआ उसमें? हाँ। अच्छा, जो गाड़ी चलाई गई तो उसमें मुकदमा दर्ज है? हाँ जी। हाँ। मुकदमा दर्ज है। अच्छा, मुकदमा सब एफ आई आर खातिन के दो दिन दौड़ल नहीं जा, दो दिन ना भल, तीसरे दिन मैंने भयल वो थाने में भी पुलिस के सामने, दरोगा के सामने, हमारे बड़ा लड़का के हमारे सामने गाड़ी देना करतो के बहरे मारल जाए। फिर जाके वहाँ दरोगा से कहनी जा कि साहब ऐसे ऐसे कहते हो, डांट देना, डांट के भगा देना। फिर फोन करके दूसरे अधिकारी के बोलना, कहना ले जाओ इन सब को अंदर बंद करो, लड़का के हमारे ले जाके अंदर बैठा देना। बैठौले के बाद हम अकेले पड़ गई, हम कैसहूँ अली घरे, हमार मोबाइल लड़का ले ले रहा, कला माँ अपन मोबाइल दे, हमार मोबाइल ले जो घरे, मोबाइल रखवा ले ले हम लोग। अब करे वजह से अभी आपका क्या कहना है, जो अधिकारी हैं उन लोगों से क्या गुहार है आपकी? ये गुहार है कि ये मामला के सुलझामा, एकरे आगे कोनो खतरा होके न पावा, हमारे परिवार पर बहुत खतरा है, वो एकरे खातिर सुरक्षा दें। हाँ, हमारी है मांग है कि कहीं के उनके जान माल का कोनो हो न पावा कांड अब से। बस आपके पति तो नौकरी करते हैं? हाँ, कहीं पे है ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है सारा परिवार शिक्षित है, पढ़ा लिखा। हाँ, है। हाँ, जो प्रियंका ने और आपके बेटे ने किया है सामाजिक रूप से, हालांकि हाँ, इन्होंने संविधान की दुहाई दे दी। हाँ, है तो हाँ, मैं उस पर नहीं कुछ कहने वाला। हाँ, सामाजिक रूप से हाँ, ये कितनी ठीक बात है जो प्रियंका और आपके बेटे ने किया। अब वही चमार जात के वजह से कि दूसरे जात के संगे शादी कल ही कर देवा, चमार के नाक संगे कर। प्रियंका जैसा काम कोई आपकी बेटी ने किया होता और आपके बेटे ने जो किया कोई दूसरा लड़का किया होता, हाँ, तब भी क्या आप अपनी बेटी का साथ वैसे ही देती जैसे बेटे का दे रही है? भाई अब बेटा लिए ना, हमारे के ना आ गई ली तो हमके इनके उठावल जरूरी न है, बेटुओं के पाके ना हमारे अली, तब इनके फेंक हम तब ना फेंक। अब वो लोग चाहे कुछ भी करें, हमारी किहन आ गई ली तो हम तो उठा ले ली, हम कुछ कहब ना इनके, अब इज्जत सामान से रखले हैं। अब वो लोग जमने जा, ठीक है, इनको देख करके ही पता चल रहा है इनको यहाँ कोई तकलीफ नहीं। हाँ, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं, नहीं, ये शादी मैंने खुशी से की है। हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, अपनी समझ बूझ से कदम उठाया है मैंने, अपनी समझदारी से कदम उठाया है मैंने। मम्मी है आपकी? हाँ जी, मम्मी है। कितना दिन हो गया घर से बाहर यहाँ पे रहते हुए? 2 साल हो गए। 2 साल, इन 2 सालों में कभी मम्मी पापा की याद नहीं आई? उन लोगों ने कोई जगह नहीं छोड़ी, उन लोगों ने क्या नहीं किया। मैं घर से निकली तो सिर्फ मुझे जान से मारने के लिए ही तो खोजा उन्होंने, मेरी जान के भूखे हैं वो, मेरी जान के। बचपन से आपकी जान के भूखे हैं? नहीं, जब से मैंने चमार जाति में शादी की है तब से। तो क्या एक पिता की, एक माँ की, एक भाई की कोई इच्छा नहीं है? मेरी फैमिली, मेरे बचपन से आपके माँ बाप, आप इतनी बड़ी रही होंगी पैदा होकर, थोड़ी धीरे धीरे बड़ी हुई होंगी,
उनकी भी तमाम इच्छाएं रही होंगी। कभी आप गिरती रहे होंगे तो आपकी माँ की आह निकल जाती होगी, बाप दौड़ के उठाते होंगे, तमाम चीज़ें होती होंगी। आप ऐसे तो बड़ी नहीं हो गई होंगी, ठीक है, आज 2 साल से आप यहाँ पे हैं, लेकिन उसके पहले तो आप उसी घर में रह रही थी, सारी चीज़ें आपके माता पिता देख रहे थे, ठीक है। इन 2 सालों में इतना सारा परिवर्तन आ गया कि आज आपको अपने माता पिता दिखाई नहीं दे रहे। मैंने शादी की उसके बाद मैं अपने माँ बाप की आज्ञा के लिए ही अपने घर पर थी, अपने मायके में थी कि मेरे माँ बाप कहेंगे तो मैं शादी करूँगी, उनकी इच्छा से होगी शादी। तो आपको तो सब पता है ना कि हमारे देश में इस तरह के रिश्तों को कितनी मान्यता दी जाती है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो आपको नहीं लगा कि ये 2 परिवारों को तबाह करने वाला मैं काम करने जा रही हूँ, मैं ही अपने आप को रोक लगा लूँ, मेरी भी कहीं शादी हो जाएगी, बुद्ध प्रियानंद उनकी भी कहीं उनके माँ बाप शादी कर देते तो ये नौबत तो नहीं आती जान देने और लेने वाली। सारा कसूर माँ बाप का है क्या? बच्चों का प्यार आज इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा मैटर हो गया है कि उसके लिए बचपन से माँ बाप ने जो प्यार दिया वो बहुत छोटा पड़ जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा अपने प्यार के आगे, या यूं कहें कि अपने स्वार्थ के आगे। मैंने इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने शादी की, मैंने अपने माँ बाप को अपने भाई एक पक्ष देख रही है ना, मैंने अपने माँ बाप तो एक पक्ष देख रही है ना, मैंने ये बात अपने माँ बाप को अपने भाई को बताई कि मैंने शादी की है और आप लोग मेरी शादी करेंगे मान सम्मान से, इज्जत से, तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी। उन्होंने इसके खिलाफ सिर्फ मेरी जान लेने की ही कोशिश की। एक बात है, मैं कह रहा हूँ प्रशासन से मेरी भी गुहार है कि आपको सुरक्षा दी जाए, आपके ससुराल के लोगों को सुरक्षा की जाए, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं आप बता रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा, गाड़ी जला दी गई और इनके बहन के लड़के को गाड़ी से पीछे से धक्का मार दिया गया, पैर टूट गया, ठीक है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन नहीं लगता आपको कि आपका कसूर भी है इन सारी चीज़ों में? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी भी पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सारा कसूर आपके माता पिता का है, भाइयों का है। जी, कभी भी याद नहीं आता उनका कोई भी, बचपन से लेकर अब तक कितनी उम्र हुई आपकी? मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ। 26 ईयर, तो 24 साल तो आप उसी घर में रहे। हाँ जी, तो 24 साल छोटे पड़ गए 2 साल में, उन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। और आपने जो अपने माता पिता और अपने भाइयों की पगड़ी उछाल दी, इज्जत उछाल दी, कभी उसी सठियाओं में इज्जत से जी रहे होंगे, आज वो सर झुका के जाते होंगे आपकी आपके काम की वजह से कि मेरी बहन ने ऐसा कर दिया कि हम किसी से नजर नहीं मिला पा रहे। उन्होंने अपनी इज्जत अपने आप से उछाल ली है, मैंने तो आप जिम्मेदार नहीं है, उनकी इज्जत बचाने की कोशिश की है मैंने। कैसे? उनके आज्ञा का इंतजार कर रही थी मैं, उनके घर पे थी, उनके साथ थी कि आप कहेंगे तो मैं शादी करूंगी। शादी करने के बाद आर्य समाज मंदिर में बता रही है ना, आपने बताया उसके पहले तो नहीं ना बताया आपने, शादी करने से पहले आपको पूछना चाहिए था कि नहीं? उसके पहले उन लोगों को माँ बाप की इच्छाएं नहीं होती, कोई मायने नहीं होता उसके पहले। माँ आप भी हैं, आप बताइए, क्या माँ की इच्छा नहीं होती, पिता की इच्छा नहीं होती कि हमारे दरवाजे पे हमारी बिटिया की बारात आए, शादी हो, सारी चीजें हो? इच्छा तो सभी को होले होती है ना माता जी, बाकी पहली घटना तो है ना कि मतलब यह नहीं, हम नहीं कह रहे हैं जो हुआ अब उस पर कोई क्या ही कर सकता है, पहली घटना तो है ना सरकार के घर में यह कि कोई जाति बिरादरी से शादी कर ले तो कोनो आपत्ति ना है, अब ये लोग जान के आपत्ति कर रहे। तमाम पहला केस नहीं है, तमाम लोगों ने जाति बंधन को तोड़ते हुए अंतर जातीय विवाह किया है, लेकिन मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि एक लड़की के लिए अपना प्यार जो आजकल पहले वाला प्यार तो नहीं रह गया ना, मिसाल हम लैला मजनू और शीरी फरहाद रोमियो जूलियट की देते हैं और सबका प्यार अधूरा रहा, सब ने त्याग किया है ना, लोग मिल नहीं पाए, ठीक है, लेकिन आजकल का प्यार क्या है, 2 साल 4 साल तक चलता है, फिर उसके बाद तमाम लफड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपको कितना भरोसा है अपने और अपने पति के ऊपर कि नहीं हमारे यहाँ ऑल इज वेल होगा? हाँ, मैं अपने ससुराल में अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के लिए आई हूँ, अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आई हूँ, और वो लोग नहीं चाहते कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के साथ जीऊँ, उन्होंने धमकियाँ दी हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी उसके साथ नहीं जी पाओगी, हम तुम दोनों को जान से मार देंगे, यानी कि दोनों की ज़िंदगी खतरे पे है। हाँ, चलिए, हमारे प्रशासन से यही गुहार है कि इस परिवार की सुरक्षा की जाए, और अब इस मामले में क्या ही हो सकता है। एक भाई के तौर पे प्रियंका, ये समझ लो कि मैं सामने तुम्हारा भाई खड़ा हूँ, एक भाई के तौर पे मेरा एक सवाल है तुमसे, क्योंकि तुमने बड़ा कदम उठाया है, ठीक है, एक भाई के तौर पे सवाल है मेरा कि क्या आपका जो ये कदम आपने उठाया है, जो तमाम माता पिता देखेंगे इस वीडियो को,
तमाम भाई देखेंगे इस वीडियो को, वो क्या अपनी बहनों को स्कूल ढंग से जाने देंगे, उनके ऊपर तमाम पाबंदियां नहीं लगाएंगे, उनको जो स्वतंत्रता जो स्वच्छंदता मिलनी चाहिए वो देंगे? हाँ देंगे, देनी चाहिए स्वतंत्रता, हर किसी की ज़िंदगी में स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। मुझे मेरे घर में बंद करके रखा गया, मुझ पे ये सब होने के बाद ना, जब आपने बताया कि मैंने अंतरजाति देखिए, क्योंकि उनका एक अपना मामला ये है कि अंतरजाति विवाह कर लिया तो समस्या हो गई उनको, ठीक है, अगर किसी सजातीय में आप करती प्रेम विवाह तो शायद नहीं कुछ कहते, है ना? हाँ जी, सारी समस्या तो उनको अंतरजाति को लेकर, हाँ, सारी समस्या उनको जाति को लेकर के। चलिए प्रियंका, आप बताइए हमारे वीडियो के माध्यम से प्रशासन जो है स्थानीय, उससे किस प्रकार की मदद की आप उम्मीद करती हैं, ताकि आपकी जो सासू माँ हैं, आपके जो ससुर जी हैं, जो पूरा परिवार है, आपके पति समेत सबकी सुरक्षा हो सके और सब अच्छे से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो सके। मैं प्रशासन से सुरक्षा की मांग करती हूँ, और मुझे मेरी जान को खतरा है, मेरे ससुराल वालों की जान को खतरा है, मेरे सगे संबंधियों को खतरा है, मेरे रिश्तेदारों को खतरा है, सबकी जान को खतरा है, मैं प्रशासन से सुरक्षा की मांग करूँगी। अधिकारियों से मुलाकात करेंगी आप लोग? हाँ जी सर, मैं न्याय के लिए आगे तक जाऊँगी। चलिए, आजमगढ़ के कादीपुर में हैं, यहाँ पे हमारी मुलाकात प्रियंका वर्मा से हुई है, और उनकी सासू माँ हैं, इनके पति यहाँ पे नहीं हैं, और तमाम दुश्वारियाँ इनके ज़िंदगी में चल रही हैं, जब से इन लोगों ने शादी किया, जब से प्रियंका के घर वालों को पता चला, तब से तमाम मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है प्रियंका को, साथ ही साथ ये परिवार भी प्रताड़ित हो रहा है, कभी घर में घुसकर मारपीट होती है, तो कभी सड़क पर चलते हुए गाड़ी से धक्का मारा जा रहा है, कभी चलती गाड़ी में आग लगा दिया जा रहा है। इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, शासन प्रशासन हस्तक्षेप करके जो भी उचित कार्रवाई हो सकता है इस संदर्भ में करने की कोशिश करें, तभी जा करके इस मामले का अंत हो सकता है, वरना ये मामला किसी बड़ी घटना का सबब बन सकता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उच्चाधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे और इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, धन्यवाद।